दोस्तों भारत वीर योद्धाओं की भूमि रहा है। अलग अलग समय में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत में शासन किया। इन राजाओं की वीरता और उनके बलिदान से ही हमारा देश गौरवान्वित हुआ। आज हम इस वीडियो में भारत के पांच महान राजाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता शाहजी और माता जीजाबाई थी। शिवाजी को दादा कोंडदेव ने युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी की सेना में 1 लाख से भी अधिक सैनिक थे। शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में तोरण किला जीता। शिवाजी का सामना बीजापुर के सुल्तान से हुआ। सुल्तान ने अफजल खान को 20,000 सेना लेकर शिवाजी को पकड़ने भेजा, लेकिन शिवाजी ने बड़ी ही चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ में फंसा लिया और उन्होंने बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। आगे चलकर शिवाजी का सामना औरंगजेब से हुआ। शिवाजी ने छापामार युद्ध की नई शैली विकसित करी और अपने राज्य में मराठी और संस्कृत भाषा को महत्व दिया। शिवाजी के बेटे का नाम संभाजी था। शिवाजी महाराज के बारे में अधिक जानने के लिए कमेंट करें। महाराणा प्रताप। इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। महाराणा प्रताप का सामना अपने समय के सबसे बड़े राज्य के शासक अकबर से हुआ। उस समय अकबर के सामने अधिकांश शासक झुके हुए थे, लेकिन वीर मेवाड़ी महाराणा प्रताप ने अकबर को युद्ध की चुनौती दी। 18 जून 1576 में भारत का चर्चित युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 से भी अधिक लोग मारे गए। महाराणा प्रताप दर दर भटके, लेकिन वे कभी मुगलों के सामने नहीं झुके। पृथ्वीराज चौहान। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास अजमेर और दिल्ली की कमान थी। उनका सामना मोहम्मद गोरी से हुआ। पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इस युद्ध को तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वहीं तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया और उन दोनों ने मिलकर 1192 में पृथ्वीराज को हरा दिया। युद्ध में पृथ्वीराज अंधे हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चंद्रवरदाई के कई शब्दों को ध्यान में रखकर शब्द विधि बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया। अफगानिस्तान के गजनी शहर में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 ईस्वी को कर्नाटक के हम्पी में हुआ और उनके शासन का समय 1509 से 1530 तक था। इस महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला था। कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त किया था। वे अपने समय के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। उनके प्रभाव के कारण ही बाबर ने कभी कृष्णदेव राय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने पहले नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मगध पर शासन किया और फिर अपने राज्य की सीमा को पश्चिम में ईरान तक फैलाया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहां राज करता था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। सिकंदर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में चंद्रगुप्त पूरी तरह से सक्षम थे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।